नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ संतरे का जूस। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मैंने संतरा छील करके रखा हुआ और उसकी फांके अलग कर ली हैं। और संतरे का जूस पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्टी होने के साथ में काफ़ी हेल्दी भी है, विटामिन सी से भरपूर है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। अगर आप इसका जूस पीते हो तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। अगर आपका हाजमा खराब रहता है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो आपको संतरे का जूस पीना ही चाहिए। और आप ऐसे भी फांके तो खा सकते हो, उसका भी फायदा आपको मिलता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है जो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं संतरे का जूस बनाना। तो ये देखिए, संतरे का जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सर जार ले लिया है। तो अब मैं इसमें संतरे की ये फांके डाल दूंगी। तो ये देखिए, संतरे की फांके मैंने डाल दी है। और संतरे के जूस को बढ़िया चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ चीजें डाल रही हूँ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच चीनी। अगर ज़्यादा खट्टे हैं संतरे तो आप तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो। और थोड़ा सा मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। साथ ही मैं 1/4 चम्मच इसमें काला नमक डाल रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ये देखिए। और अब मैं बढ़िया पीस लूंगी इसे। तो ये देखिए, हमारा ऑरेंज जूस तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें हमने काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला, तो उससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो अब मैं इस जूस को छान लूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, स्ट्रेनर ले लिया है। तो अब मैं ये जूस इसमें डाल दूंगी, ये देखिए। और आप देख सकते हो कि बीज पीसे नहीं है। और अब मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से बढ़िया छान लूंगी, ताकि जो रेशे हैं इसके संतरे के वो ऊपर रह जाए छन्नी में और हमें बढ़िया जूस मिल जाए नीचे। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए कितना बढ़िया जूस तैयार हो गया है। तो ऑरेंज जूस को अब मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने यहाँ ग्लास ले लिया है, तो मैं इसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज जूस। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ऑरेंज जूस का, ये देखिए, आप देख ही सकते हो। और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। तो ये देखिए, हमारा ऑरेंज जूस पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा कितने आसानी से हम घर पे ऑरेंज जूस बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी तरीके से। सबसे अच्छी बात है, साफ सुथरे तरीके से हम बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ऑरेंज जूस घर पे बनाइए, और जब भी बनाएंगे तो बताना ना भूले कि आपको ये ऑरेंज जूस बनाने का तरीका कैसा लगा।